जैसे कि हम बलि बांती जानते हैं, आज का जो दिन 31 अक्टूबर का है उसे पूरे देश भर में नेशनल यूनिटी डे के नाम से मनाया जा रहा है। इसे मनाने के पीछे के बहुत से रीज़न्स हैं, उसमें से एक मेजर रीज़न सर ये है कि आज ही के दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिसे आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता, उनका जन्म हुआ था। और सर उनकी एक विजनरी सोच थी, उनकी एक डेमोक्रेटिक सोच थी, जो कि आगे चल के रीजन्स बने जिससे हमारा देश आज़ाद हुआ सर। और सर इन कोलैबोरेशन विद बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल पुंछ और सर 32 बटालियन जो कि BSF जवान की थी, हमने आपस में कोलैब करके एक रैली को ऑर्गेनाइज़ किया गया। इसमें बच्चों ने हॉल हार्टेडली परफॉर्म किया, पार्टिसिपेट किया और एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कॉमन पीपल तक, यंगर जनरेशन तक, कि हमें यूनाइट होना है। और इसका बेसिक मौजू ये था रन फॉर यूनिटी। इस रैली का बेसिक मौजू था रन फॉर यूनिटी और इसका मतलब यही है कि हमें जितनी मर्ज़ी हर्डल्स आएँ, जितनी मर्ज़ी परेशानी आएँ, वी हैव टू रन फॉर यूनिटी एंड वी विल रन फॉर यूनिटी सर। और मुझे पूरा यकीन है कि इन बच्चों के मैसेज के थ्रू कॉमन पीपल तक, यंगर जनरेशन तक ये मैसेज पहुँचा होगा कि हर्डल्स परेशानियाँ आने के बाद हमें एज अ वन रहना है, यूनिटी इंटीग्रिटी प्रॉस्पेरिटी को मेनटेन करना है, ताकि हमारे साथ साथ हमारा देश भी एंडेवर हो सके सर।